for you. पीने वाले ने क्या खूब कहा है कि लाख अंग्रेजी पी लो, लेकिन देसी ठर्रा पीने का अलग ही फायदा है। इसलिए मिस्टर टैगबुल आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया है देसी शराब बनाने की शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना सोडा मिलाए। देसी शराब बनाने के लिए महुआ नामक फल का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिखने में काफी हद तक अंगूर और बेर की तरह लगता है। महुआ का पेड़ भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, जहां इसके फल का इस्तेमाल करके देसी शराब बनाई जाती है। जब महुआ का फल पेड़ से अपने आप नीचे गिर जाता है, तो स्थानीय लोग इसे जमा करना शुरू कर देते हैं, और जब ये एक निश्चित मात्रा में जमा हो जाता है, तो उसके बाद देसी शराब बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फल को धोकर धूप में कम से कम 9 से 10 दिनों तक अच्छी तरह से सुखाया जाता है, जिसके बाद महुआ का रंग हरा से बदलकर भूरा हो जाता है। इसके बाद उस सूखे हुए फल को एक बड़े आकार के मटके में भर दिया जाता है, और उसमें एक निश्चित मात्रा में पानी डालकर अगले 3-4 दिनों के लिए सड़ने के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है, ताकि महुआ का फल आसानी से सड़ने लगे। इस दौरान महुआ में कई तरह के केमिकल बदलाव होता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा को बनना शुरू हो जाता है। महुआ को अच्छी तरह से सड़ाने के बाद उसे एक बड़े से पतीले में खाली किया जाता है, और उसमें पानी के साथ गुड़ मिलाकर उसे आग के ऊपर रख दिया जाता है। इस दौरान पतीले के ऊपर एक नली वाला बर्तन भी रखा जाता है, जिसमें नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा छेद होता है। उस बर्तन से पतीले के मुंह को ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर ठंडे पानी से भरा हुआ एक छोटा पतीला रखा जाता है। इस तरह से ऊपर रखकर उसके अंदर मौजूद महुआ को पकाया जाता है, जिसमें गर्म भाप निश्चित मात्रा में बाहर निकलती है। अगर महुआ के फल को खुले बर्तन में पकाया जाएगा, तो उसका सारा अल्कोहल और केमिकल भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से देसी शराब नहीं बन पाएगी। ऐसे में महुआ में मौजूद केमिकल और अल्कोहल को सुरक्षित रखने के लिए उसे आग में पकाने के दौरान इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता है, उसमें मौजूद पानी में अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है, और वो पानी बूंद बूंद करके बाहर गिरने लगता है। महुआ के उन बूंदों को मिट्टी के बर्तन या मटके में इकट्ठा कर लिया जाता है, हालांकि इसे पूरा होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। इसके बाद महुआ से बनी देसी शराब को अच्छी तरह से ठंडा किया जाता है, जिसे बोतल में भर लिया जाता है, और फिर उन्हें भेज दिया जाता है आपको हाई करने के लिए। कई इलाकों में महुआ से बनी देसी शराब को मटके में ही छोड़कर रख दिया जाता है, जिससे उसका स्वाद लंबे समय तक बना रहता है, और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से देसी शराब खरीद सकता है। हालांकि इन दिनों में बनाई जाने वाली देसी शराब में कई तरह के केमिकल और विषैले तत्वों की मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है दोस्तों, लेकिन एक निश्चित मात्रा में अल्कोहल आपको कई घातक बीमारियों से बचा सकती है, लेकिन इसकी आदत बहुत बुरी होती है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।